हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेस में। आप पढ़ रहे हैं क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी पैटर्न बुक और हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड बी। प्रीवियस वीडियो पे क्वेश्चन नंबर थर्ड ए हम कंप्लीट करवा चुके हैं आपको, साथ में यूनिट वन भी कम्प्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू। अगर अभी तक आप वीडियोज नहीं पढ़ पाए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप सभी क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बी। 14/8, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस दिए गए थे, तो मल्टीपल पे ही नोट कर लीजिए 64/17 एंड डिवाइडेशन साइन है तो डिवाइडेशन भी रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन दिया गया। इसको आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए, 34 2 जो 78 एंड 179/34। तो देखिए यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन कैसे नोट करते हैं, ये नंबर मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन वन न्यूमरेटर नंबर हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो 34 2 जो 78 और 78 में 1 हमने प्लस किया, 79/34। अब हम सोल्यूशन करेंगे, तो 14/8 मल्टीप्लाई 64/17, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई साइन में चेंज कर देते हैं। जब भी डिवाइडेशन फ्रैक्शन दिए जाए तो डिवाइडेशन साइन को आप मल्टीप्लाई फ्रैक्शन पे नोट कर सकते हैं, और जो भी सेकंड फ्रैक्शन दिया जाएगा उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो 79/34 को हम क्या नोट कर सकते हैं, 34/79, यानी इस टाइप से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं 34/79। अब देखिए ये सब ओनली आपके मल्टीप्लाई फ्रैक्शन हो गए। जब मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस हो गए तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड देन सॉल्यूशन। तो जहां पर जो भी नंबर कट हो रहा है बिल्कुल आप कट कर दीजिए, और जो नंबर नहीं कट हो रहे हैं आप दैट इज मल्टीप्लाई करके आंसर भी नोट कर सकते हैं। तो देखिये 17 1 जो 17 17 2 जो 34, और ओनली ये जो हम कट करते हैं ये सिर्फ ओनली मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस पे करेंगे, प्लस माइनस डिवाइडेशन फ्रैक्शन में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इस तरह आप क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्यूशन कर सकते हैं, 17 1 जो 17 17 2 जो 34। इसके बाद देखिए 8 1 जो 8 8 8 जो 64, यानी जिस जिस टेबल पे आपको नंबर मिल रहे हो बिल्कुल उस टेबल से आप टेबल पढ़िए, और नंबर कट हो रहे हो तो बिल्कुल आप कट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो आंसर सोल्यूशन होगा वो बिल्कुल ईजिली हो जाएगा, और जो आंसर नंबर निकलेगा वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। तो इस तरह करने से बिल्कुल आपके इजिली आंसर्स भी आ जाएंगे और लगभग लगभग आंसर्स आपके बिल्कुल करेक्ट भी होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स और नहीं कट होंगे, 14 79 की टेबल्स पे नहीं आते तो नहीं कट करेंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं है। 79 1 जो 79, तो यहाँ पे 79 नोट कर दें, क्योंकि 79 1 जो ही 79 ही होगा। इसके बाद देखिए 14 है, 8 है एंड 2 है, तो 8 2 जो 16 और 16 मल्टीप्लाई 4, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 मल्टीप्लाई 14, रफली 8 2 जो 16 नोट कर लिए एंड 14, तो 14 6 जो 98, 8 कैरी 9, सॉरी 14 6 जो 84, 14 6 जो 84, 4 कैरी 8 और 14 1 जो 14 और 14 और 8 22, तो आंसर आएगा आपका 224/79। तो इस तरह आप बिल्कुल आंसर बता सकते थे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चंस पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो समझ में आ गए हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट भी करके आपको समझा देता हूँ। 14/8 मल्टीप्लाई 64/17 नोट किए, डिवाइड साइन को आप डिवाइड साइन ही नोट कर रहे हैं, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन एक दिया गया है, पहले आप उसको सिंपले फॉर्म में चेंज कर लीजिए, तो 34 2 जो 78 179/34 नोट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपको जो दिए गए हैं 14/8 मल्टीप्लाई 64/17, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई साइन में चेंज कर लेंगे, और जो यहाँ पर सेकंड फ्रैक्शन दिया गया उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो 34/79 न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, 14 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 34 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 79। यहां पर देखिए न्यूमरेटर के फ्रैक्शंस हैं एंड डिनोमिनेटर के, तो जो भी नंबर टेबल्स पर अगर कट हो रहा है तो बिल्कुल आप कट कर दीजिए, 17 2 जो 34, 8 8 जो 64। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिए गए आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 1 जो 79 और 8 2 जो 16 और 16 14, मैंने मल्टीप्लीकेशन किया था अभी, तो 16 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 224/79, दैट इज आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन आपको करने थे, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। देखिए थर्ड ए था, थर्ड बी था, थर्ड सी हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन आप ये होमवर्क पे करिएगा, प्रॉब्लम हो न समझ में आए तो कमेंट पे जरूर लिख दीजिएगा, उसे नेक्स्ट वीडियो पे मैं आंसर बिल्कुल बता दूंगा आपको।
और चैनल पर नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।